सिविल खराब अगर आपका हो चुका है तब भी आपको कैसे लोन मिल सकता है। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे साहब को अपने गले से निकाल। नहीं पैसे हैं तो रव के तो ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं कर सकता। चवंडी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है, इनका ही अमरात बैठे ही अमरदीप कर दिया। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझें कि सेटलमेंट करवाना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। अगर कोई चवन्नी छाप आपको लालच दे रहा है, बेकार है, ये कह रहा है कि मैं आपका सेटलमेंट करवा दूं और आपका सिविल खराब नहीं होगा या थोड़ा इंपैक्ट करेगा, 6 महीने के बाद वो ठीक हो जाएगा, टोटल बकवास कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आपको भाई सेटलमेंट तो उसके अंदर लिखा जाएगा लेकिन वो 6 महीने के बाद रिमूव हो जाएगा। वो रिमूव नहीं होएगा, जब तक आप हरिद्वार जाओगे तब तक भी नहीं रिमूव होएगा, हरिद्वार जाने के बाद भी नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर लिखा रहेगा, अनंत काल तक उसके अंदर। ये बात आप सबसे पहले समझते हैं। हाँ, अगर आप सेटलमेंट करवाना ही चाहते हैं तो किसी कंपनी के झांसे में ना आए। बहुत से फेक कंपनियां चली हुई हैं, कहते हैं हम सेटलमेंट करवा देंगे। आपका सेटलमेंट आपके सिवाय दुनिया के अंदर कोई नहीं करवा सकता, या तो आप कर सकते हैं या वो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके साथ कर सकती है। आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइलिक के वीडियो देखें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मोज पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, या लिंक्डइन पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। जब भी सेटलमेंट करें सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें, क्योंकि बहुत से 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट कर रहे हैं चवन्नी छाप। जब भी सेटलमेंट करें सेटलमेंट की हार्ड कॉपी लें और उसी ब्रांच में जाएं जिस ब्रांच से आपने लोन लिया, उस ब्रांच के ब्रांच हेड से मिले और उसको ये दिखाएं कि भाई ये लव लेटर देखो जी, ये ठीक है क्या, जेन्युइन है क्या, फेक है, वो कहेगा जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो इसके ऊपर स्टैंप लगा दो बैंक की और अपने साइन कर दो। अगर वो नहीं कर रहा तो आप सेटलमेंट ना करें, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं आपको कर सकता सेटलमेंट के लिए। इस तरीके से आप फेक सेटलमेंट होने से बच सकते हैं। और दूसरा और सबसे बड़ा क्या ध्यान रखना है, उसके अंदर एक क्लोज लिखवा लें कि जब आप सेटलमेंट करेंगे, जिस दिन आप वो अमाउंट बैंक को दे देंगे उसके बाद वो बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके आपके किसी भी उत्तराधिकारी को पर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। ये क्लोज उसके अंदर लिखवा लें। और जब सेटलमेंट हो जाएगी तो एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट या एनओसी, अगर कोई व्हीकल का लोन है तो एनओसी वो आपको देगा। ये सारी बातें उसके अंदर ऐड करवा लें, उसके बाद आप सेटलमेंट करें। जब भी सेटलमेंट करें ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, कभी भी 5-6 EMI में सेटलमेंट ना करें। इसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, भाई आप ईएमआई में सेटलमेंट कर लो, ईएमआई में कभी भी सेटलमेंट ना करें। इसको बोलते हैं रेगुलर सेटलमेंट, और एक टाइम पैसा दोगे तो इसको बोलते हैं ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। रेगुलर सेटलमेंट ना करें। रेगुलर सेटलमेंट में क्या आपको प्रॉब्लम आएगी, 10 लाख का आपका लोन है फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने 2.5 लाख में भी कर लिया, ज्यादातर प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट मिलता है 1-1.5 साल हो जाए तो, अगर अनसिक्योर लोन है तो ये 2.5 लाख की इन्होंने आपकी 5 EMI बना दी, 50,000 रुपए महीना, आपने कच्चे लालच में आके 1-2-3 EMI कहीं से इधर उधर से उठा के दे दी। अगर आपने 1 EMI भी एक दिन भी लेट दे दी, मान लो आपने 5वीं EMI एक दिन लेट कर दी, तो ये पैसा तो वो ले लेंगे, वो 50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए इनके पास आ गए, आपके हिसाब से हिसाब क्लियर होगा। लेकिन नहीं, वो सेटलमेंट जो है वो कैंसल मानी जाएगी, नूल एंड वाइड हो जाएगी वो। क्यों? ये कहेंगे भाई जो उसमें टर्म कंडीशन लिखी हुई थी वो आपने उसको फुलफिल नहीं किया। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी सेटलमेंट करें ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, आज नहीं पैसे हैं 2 साल बाद 4 साल बाद जब मर्जी करें, लेकिन हमेशा ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें। हां, अगर आपका सिविल खराब हो चुका है तो आपको लोन कैसे मिल सकता है,
या सेटलमेंट कर रहे हैं तो सिविल खराब हो गई होगा, यह बात आप ध्यान रखें, फिर भी आपको लोन कैसे मिल सकता है। दो साल तक जिस दिन आप सेटलमेंट कर लेंगे उसके दो साल तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी किसी भी तरह का। दो साल के बाद आपको सिक्योर लोन मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको आरओआई ज्यादा देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करें, दो साल के बाद कोई सिक्योर लोन ले, कोई बाइक का ले ले, कोई एक्टिवा का ले ले, एक साल के लिए ले, एक साल के बाद उस बाइक को एक्टिवा को सेल कर दे और दोबारा फिर एक साल के लिए ले, अब उसको फिर एक साल तक चला के फिर उसको सेल कर दे, अब आपका जो है सिविल जो है अप होना शुरू हो जाएगा। जैसे आदमी की हेल्थ एक जैसी हमेशा नहीं रहती है, ऐसे ही आदमी की वेल्थ भी एक जैसी नहीं रहती। ये बैंक एनबीएफसी कंपनी भी समझते हैं, जो आपने सेटलमेंट किया है अब टोटल चार साल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया दो साल तक कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगा, और दो साल के बाद एक साल के लिए लिया, तीन साल हो गए उसको क्लियर करके, फिर एक साल के लिए लिया, चार साल हो गए, अब आपका सिविल अप होना शुरू हो जाएगा, अब आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन दे देगा, और नॉर्मल सिनेरियो पे आरओआई भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, जो सेटलमेंट किया वो शब्द कभी नहीं हटेगा बीच में से। अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया, आप उसको भी सेटलमेंट कर रहे हैं, तो आपको कोई उससे खास फायदा नहीं है, वो राइट ऑफ हटाकर उसमें विलफुल डिफॉल्टर लिख देंगे या सेटलमेंट लिख देंगे। इन सभी बातों को मध्य नजर रखते हुए सेटलमेंट करें, आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, अपने राइट्स और अधिकार जान लें। सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं, और दूसरा सेक्शन 25, ये दोनों एक ही तरह के हैं, इनको कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन अगर इन्होंने आपको ऊपर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया है और कोर्ट से आपको नोटिस आ रहा है जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, तो आप उसको रिसीव अगर नहीं कर रहे हैं, बार बार रिसीव नहीं कर रहे हैं, बार बार उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये क्राइम में कंसिडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है, ये कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सिक्योर लोन है और आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13-2 का, 13-4 का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, डीएम साहब का, या इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको अड़के में ना ले, नहीं तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोटी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके गिरवी रख के रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आपकी प्रॉपर्टी का बचाव हो सकता है, क्योंकि ये बहुत से इनलीगल तरीके यूज करके बहुत जल्दी उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, इनका जो लूप होल है उसको पकड़ के आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, तीन ईएमआई नहीं दी जा रही है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया होगा, लागू हो गया होगा, एक भी ईएमआई नहीं दी जा रही अब तक पूरी है, आगे नहीं दी जा रही, क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, आपको ऐसे लग रहा है किसी वजह से फाइनेंशियल डाउन है कि फ्यूचर में आप नहीं दे पाएंगे, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, प्रोवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है, अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कनॉट प्लेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, ये अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं सारे देश की, तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करें। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं।
फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13-2 का, 13-4 का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या आपके ऊपर चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस किया है सेक्शन 25 का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, उसकी कितनी फीस होगी ये जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। एक बार जोर से नारा लगाएंगे जय ससुराल वालों की।